अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज जी मैं एक लोकेशन विज़िट करने आया हूँ आप लोगों के सामने। लोकेशन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है अंग्रेज़ों के दौर की। तो इसका बताया गया है कि यहाँ पर लोगों को कोई मखलूकात नज़र आई है, क्योंकि सारी फसलें हैं और फसलों के दरमियान में ये लोकेशन है। तो यहाँ से उनको कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखी हैं, हुई हैं लोगों के साथ, यहाँ से जो गुज़र रहे थे लोग। तो उन्होंने हमें बुलवाया था कि आप लोग आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करें, कंफर्म करें ये लोगों का वहम है या वाकई कुछ है यहाँ पर। तो आज मैं विज़िट करने आया हूँ देखने के लिए, अगर मुझे कोई यहाँ पर कोई एविडेंस मिलता है, कुछ साइन मिलता है, तो हम यहाँ पर ज़रूर विज़िट करेंगे, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आकर। ये जी इसका एंट्रेंस है मेन, लोग देख सकते हैं। वैसे भी दिखने में भी काफ़ी पुरानी लग रही है, करीबन 100 साल से तो ऊपर ही होगी मेरे देखने में, कि खुदा बेहतर जाने कि कितनी पुरानी है ये। हालात तो यही बता रहे हैं, मिट्टी की हुई हुई है इसके ऊपर ना, जो प्लस्तर सा करते हैं, सीमेंट भी वैसे तो यूज़ हुई हुई है, पता नहीं उस ज़माने में सीमेंट थी या नहीं थी। दिखने में तो यही लग रहा है, काफ़ी पुरानी है। ऐसे बंदे चलिए यहाँ से कुछ नजर आ जाए। जी मेरे पास, मैं वीडियोस मोबाइल पर बना रहा हूँ, मेरे पास एक अलग से मोबाइल है, उसकी मैंने लाइट ऑन की हुई है। लाइट आप लोगों को कम लग रही हो तो उसके लिए माजरत, सॉरी। मेरा ख्याल इसका रूम खुला है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं इंटर हुआ तो हालात ही चेंज हो गए, जैसे बाहर नॉर्मल होता है ना, जैसे ये देख लें आप लोग, तो शायद वीडियोस में देख रहे हैं, मुझे मुझे महसूस हो रहा है अभी मैं इसके अंदर इंटर होने लगा हूँ। अभी ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे बंदा किसी और किसी ऐसी चीज़ में आ जाता है, किसी ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफ़ी हीट हो। अजीब सही, मैं आपको क्या बताऊँ, अजीब सही फील होना शुरू हो गया। मैं आप लोगों को एक बात और बता चलूं, जो हम आप लोगों को बताते हैं कि हीट स्मेल ये इसलिए बताई जाती है आप लोगों को, क्योंकि ये जो मखलूकात होती है आग की बनी होती है, तो ये जिस जगह पर होती है वहाँ हीट ही होती है। गरमाइश, गरमाइश जिसे बोलते हैं, आवाज आई मुझे, जिसको चिल्ला रहा होता है अल्लाह भीतर जाने बाहर से आई या कहाँ से आई है, फिर से आई के जी। एक ये भी रूम है मेरा ख्याल, से जाम हुए पड़े, जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है। अभी मैं उस रूम में था, कम था, अभी इधर आया हूँ इधर काफ़ी ज़्यादा हो गया, स्मेल भी बढ़ गई है पहले से।
बाहर का रास्ता है। ये जिनका होती है मेरा ख्याल आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, पहले दौर में करते थे, पहले ज़माने की बात है। अभी अभी जितनी मुझे यहाँ पर अभी वक्त हो चुका है, जितनी मुझे देर हो चुकी है यहाँ पर, मुझे तो जो मेरा दिल मानता है कि यहाँ पर वो मखलूकात है ज़रूर, कि वही स्मेल वही टेम्परेचर सेम ही है इधर भी। ये देख रहे हो लोग, देख सकते हैं कि काफ़ी हालात ख़राब हुए हमें इस रूम बरस तक। फिर अल्लाह या अल्लाह खैर। अस्तगफिरुल्लाह। एकदम से आवाज़ आई है किसी चीज़ की, जोर से मेरे कानों के कानों कानों से सुनाई दी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहीं कहीं बाहर से आई होगी, जैसे आवाज़ गूंजती है ऐसे ही आई है मेरे कानों के अंदर। भाई पता नहीं कहाँ से है। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस लोकेशन पर आते ही जब मैं इंटर हुआ इस रूम के अंदर पहले के, मैंने तब भी आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर ना कोई ऐसी मखलूकात है ज़रूर, क्योंकि स्मेल वही हीट ये सब कुछ ही हो रहा था मेरे साथ। इस रूम के अंदर आते ही ना स्मेल भी बढ़ जाती है और हीट भी, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हैं कि सारा टूटा पड़ा है कमरा। ये मैंने पहले खोला था बाहर से, जब मैं अंदर आने जा रहा था ये बंद किया हुआ है। खैर अस्तगफिरुल्लाह। बार बार यही लग रहा है कि जैसे इसी रूम से ये सामने वाला रूम जैसे किसी चीज़ ने। जी मैं साथ साथ पढ़े जा रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आवाज़ें तो मुसलसल स्टार्ट हो चुकी है आनी। ये हवेली है या पता नहीं क्या इसे बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, कोई बंगला है पुराने दौर का, तो आप लोग भी बेहतर जानते होंगे जो ये तारीखी बिल्डिंगें जो होती हैं पुरानी, के अंदर ऐसे मामला अक्सर देखे जाते हैं। अल्लाह लोग देख सकते हैं कि
सीधे मारे बढ़ती जा रही हैं। मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। ये मैंने आपको प्रॉपर दिखा दी, इसकी छत भी है ऊपर, फिलहाल ऊपर है तो कुछ नहीं। तो ये आप लोग बाहर से देख सकते हैं इस लोकेशन को, चारों तरफ से मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये जी गांव के बीचों बीच लोकेशन है, तो सामने आपको लाइटें भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, मुझे अब इजाज़त दें, लोकेशन मैंने आपको फिर भी दिखा दी है, जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों को दिखाई है। अभी जो मुझे साइन मिले हैं, एक्टिविटीज़ हुई है, तो उससे मेरा तो दिल यही कहेगा कि हम आएँ इस लोकेशन को, रात को ज़रूर हम विज़िट करें, इन्वेस्टिगेशन करें इस लोकेशन को, तो ज़रूर हम आएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो, कि जब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।